नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपने एचपी जीके एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आर्ट इन हिमाचल प्रदेश। आज की क्लास में आपको हिमाचल प्रदेश के सभी फेमस पेंटर्स, कांगड़ा पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज चूजन बाई पेंटर सरदार शोभा सिंह फॉर सेटिंग अप हिज होम। तो फेमस पेंटर थे हिमाचल के सरदार शोभा सिंह, इन्होंने कौन से विलेज को चूज़ किया था अपना घर बनाने के लिए, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, अंद्रेटा, नग्गर, नालदेहरा और बक्सुनाथ। तो जो पेंटर सरदार शोभा सिंह थे, इन्होंने अंद्रेटा, ये अंद्रेटा विलेज है, ये कहाँ पर है, ये है कांगड़ा में, तो इसको चूज़ किया था अपना घर बनाने के लिए, यानी वहाँ बसने के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है अंद्रेटा। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो सरदार शोभा सिंह थे, इन्होंने दो फेमस पेंटिंग भी बनाई है। पहली का नाम है सोनी महिवाल, ये आपको नाम याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, सोनी महिवाल। और दूसरी है कांगड़ा ब्राइड। तो ये जो इनकी फेमस पेंटिंग है, सोनी महिवाल और कांगड़ा ब्राइड, सरदार शोभा सिंह की फेमस पेंटिंग है, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जो कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग है वो किसने बनाई है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार शोभा सिंह। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज चूजन बाई पेंटर सरदार शोभा सिंह फॉर सेटिंग अप हिज होम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंद्रेटा। अंद्रेटा को सिलेक्ट किया था उन्होंने अपना घर बनाने के लिए। और आज के समय में यहाँ पर एक आर्ट गैलरी चल रही है, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी, जो उनका होम था उन्हें आर्ट गैलरी में बदल दिया गया है, तो वो अंद्रेटा में है। बाकी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए, सोनी महिवाल और कांगड़ा ब्राइड जो पेंटिंग है वो सरदार शोभा सिंह ने बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, चंबा स्टाइल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स जीनिथ अंडर हुज रेन। तो चंबा स्टाइल है, कांगड़ा स्टाइल है, ऐसी बसौली स्कूल भी था, आर्की स्कूल भी था, तो ये सारे जो स्टाइल्स थे स्कूल से हिमाचल के हैं। बाकी जो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा है जो चंबा स्टाइल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स जीनिथ अंडर हुज रेन। तो जो चंबा स्टाइल था ये किसके शासनकाल में अपने जीनत में पहुंच गया था, यानी शीर्ष बिंदु तक पहुंच गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, उम्मेद सिंह, राजा उम्मेद सिंह के टाइम पे जो चंबा स्टाइल था वो अपने जीनत तक, यानी शीर्ष बिंदु तक पहुंच गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स रूमाल क्राफ्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, जो रुमाल है वो कहाँ का फेमस है, वो है चंबा का। चंबा का रुमाल फेमस है आपको पता है, तो जो हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो अपने रुमाल के लिए जाना जाता है, रुमाल क्राफ्ट के लिए। तो एक और चीज़ है, जो चंबा रुमाल है उसे GI टैग भी मिल रखा है, 2007 में जो चंबा रुमाल था उसे GI टैग भी मिल रखा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट में आंसर करना है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी जो चीज़ें उन्हें GI टैग मिल चुका है, तो कमेंट में कमेंट करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। बाकी जो रुमाल है, चंबा रुमाल है, ये 2007 में से GI टैग भी मिला था। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कांगड़ा चाय हो गया, कांगड़ा पेंटिंग हो गया, कुलवी शॉल हो गया, तो इन्हें भी GI टैग मिल रखा है। तो इसी टाइप से टोटल आपको बताने कितने हैं जिन्हें GI टैग हिमाचल में मिल रखा है। बाकी क्वेश्चन में पूछा था कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है रुमाल क्राफ्ट के लिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है चंबा। चंबा रुमाल वर्ल्ड फेमस है, इसे GI टैग भी मिल रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन है, महेशी देवी हु वॉज अवार्डेड विथ उत्कृष्ट शिल्पी मास्टर क्राफ्ट्स वुमेन नेशनल अवार्ड इन 1965-80 इज रिलेटेड टू विच क्राफ्ट। तो जो महेशी देवी है, इन्हें उत्कृष्ट शिल्पी यानी मास्टर क्राफ्ट्स वुमेन का नेशनल अवार्ड 1965 में मिला था। तुम्हें बताना है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है ये। एम्ब्रॉयडरी क्या हो गया, ये होता है कढ़ाई, यानी जो रुमाल होता था, रुमाल में मान लो जो फूल बनाना होता है तो फूल कैसे बनाते थे, सुई धागे से बनाते थे, तो उसी को एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो जो महेशी देवी थी, इन्हें उत्कृष्ट शिल्पी का जो नेशनल अवार्ड मिला था 1965 में, ये एम्ब्रॉयडरी के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटर पेंटर मानक ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बिलोंग टू द रॉयल कोर्ट ऑफ। तो जो मानक था, ये मानक है, फेमस पेंटर है, एक बड़ा पेंटर था, तो ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बनाता था, और ये किसकी कोर्ट को बिलोंग करता था, यानी जो राजा संसार चंद थे
उसकी कोर्ट में था ये। तो राजा संसारचंद जो कांगड़ा के राजा थे उनकी कोर्ट में ये हुआ करता था मानक, और बहुत ही बड़ा ग्रेट पेंटर था। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये हमारी सीरीज़ है ये कुछ वैसी सीरीज़ नहीं कि हाँ आपको बोल दे कि 50 क्वेश्चंस इन्हीं में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, तो उस टाइप की कुछ सीरीज़ नहीं है। मैं आपको पूरा हिमाचल जीके करा रहा हूँ, हम हर चीज़ टॉपिक वाइज देख रहे हैं और हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप एग्ज़ाम कोई से भी लेवल का दे रहे हो, चाहे छोटे से छोटा हो या हाई से आए हो, तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप उन चीज़ों को देखते हो कि हाँ 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, तो वो सब आपको बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। कि ऐसा तो कोई भी नहीं बोल सकता कि अगर मैं बोल दूँ कि 50 क्वेश्चन इन्हीं में से एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चन, हो सकता है एक दो आ जाए, मतलब तुक्के वाली बात है, मगर ऐसा नहीं होगा कि हाँ सारे आ जाए। और आप हिमाचल जीके का सेक्शन देखोगे वो बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि हाँ एक दो क्वेश्चन आने वाला है हिमाचल जीके का किसी पेपर में, तो क्वेश्चन तो ठीक आएंगे। तो ऐसा है कि हाँ उन वीडियोज़ को देख के आप एक दो तो ठीक कर सकते हो, मगर अगर आपको ठीक से पढ़ना है कि हाँ सारे क्वेश्चन ठीक करने, तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ों को करना पड़ेगा और सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे थोड़ा सा याद करने में दिक्कत रहेगी, दूसरी बार रिविजन करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही याद होने लग जाएगी, फिर आप भूलोगे भी नहीं उन चीज़ों को, और ऑप्शन जैसे ही देखोगे एकदम ईजीली आंसर भी कर लोगे। तो हमारी सीरीज़ कुछ उसी टाइप की है, टॉपिक वाइज हर चीज़ कवर करेंगे। अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स भी कवर करेंगे, मंडी, चंबा, कांगड़ा, अभी हम आर्ट ऑफ इन हिमाचल कर रहे हैं, फिर लेक्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, ऐसे सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या है, विच स्टाइल ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ वर्ल्ड फेमस। तो ये तो आपको पता ही होगा जो कांगड़ा आर्ट है ये वर्ल्ड फेमस है। मैंने आपको अभी पीछे बताया जो GI टैग भी मिल रखा है, कांगड़ा पेंटिंग को GI टैग भी मिल रखा है। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है कौन सा स्टाइल उसका फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वो है कांगड़ा आर्ट। बाकी और भी आर्ट है, चंबा आर्ट, आरकी आर्ट, बशौली आर्ट, बशौली सबसे पुराना है हिमाचल का, बाकी मगर जो वर्ल्ड फेमस है वो है कांगड़ा आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पेंटिंग इज़ नॉट अ पेंटिंग ऑफ सरदार शोभा सिंह। तो मैंने अभी आपको दो तो बताई दी थी, सोनी महिवाल और कांगड़ा ब्राइड, ये सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग है। अब दो ऑप्शन रह गए, अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। जब भी आप हायर एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे हमने कुछ पढ़ा होता है हम उन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, कि हमने पढ़ा था तो सोनी महिवाल और कांगड़ा ब्राइड तो है उनकी पेंटिंग, तो ये तो क्रॉस हो गया ऑप्शन, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो आपको अगर तुक्का भी लगाना होगा तो इसमें आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई तुक्का लगा सकते हो, तो आपकी चांस होने की जो राइट होने के चांसेस है वो 50-50% है। मगर ऐसा नहीं कि हाँ चार ऑप्शन दे दिए किसी में भी तुक्का लगा रहे हैं, इसमें ये होता है 50-50 चांस है कि एक तो सही हो सकता है, तो इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। बाकी कभी कभी पूरे भी हो जाते हैं, मान लो जी आपने तीन ही पढ़ी होती है और एक पढ़ी नहीं होती तो वही आंसर था, तो कभी पूरे भी हो जाते हैं, कभी कभी दो रह जाते हैं, तब भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग पेंटिंग इज़ नॉट अ पेंटिंग ऑफ सरदार शोभा सिंह। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो है लैला मजनू। जो लैला मजनू है ये जो सरदार शोभा सिंह थी उनकी पेंटिंग नहीं है, सोनी महिवाल भी है, कांगड़ा ब्राइड भी है, गद्दन भी है, ये तीन पेंटिंग सरदार शोभा सिंह ने बनाई है, लैला मजनू नहीं बनाई है। तो इसका राइट आंसर है लैला मजनू पेंटिंग नहीं बनाई है सरदार शोभा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसारचंद टू इन विच ईयर द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो राजा संसारचंद टू थे उनके शासनकाल में जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी वो कब ओरिजिनेट की। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है 1798 AD, यानी 1798 AD में ओरिजिनेट हुई थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग राजा संसारचंद टू के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है, गीत गोविंद कंपोज्ड बाय जयदेव किरण हैज़ बीन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर विच कलम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें बोल रहे हैं जो गीत गोविंद है जो इसे कंपोज किया था जयदेव किरण ने, तो इसका सोर्स कौन सी कलम है, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कांगड़ा कलम। तो कांगड़ा कलम इसका सोर्स है जो गीत गोविंद जयदेव किरण ने लिखी है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि गीत गोविंद किसने लिखी है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जयदेव किरण। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, तो आपको हर चीज़ अच्छे से पढ़नी है। तो इसमें हमें क्या पता लगा कि गीत गोविंद है वो किसने कंपोज किया, जयदेव किरण ने किया। बाकी जो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो गीत गोविंद है वो जयदेव किरण ने कंपोज किया, वो कौन सी
उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कौन सी कलम है, तो कांगड़ा कलम से इंस्पिरेशन ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कांगड़ा कलम हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा। तो जो कांगड़ा कलम थी ये अपने शीर्ष बिंदु तक कौन से राजा के शासनकाल में पहुंची, तो इसका राइट आंसर है संसार चंद। संसार चंद जो कांगड़ा का राजा था उसके शासनकाल में ये अपने शीर्ष बिंदु तक पहुंची कांगड़ा कलम। तो इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है, चंबा कलम डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा ऑफ चंबा। तो जो चंबा कलम थी ये किस राजा के काल में डेवलप हुई थी, अच्छे से फैली थी, लोगों तक पहुंची थी और इसको पोर्टनेज भी दी थी उन्होंने। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है राज सिंह। राजा राज सिंह के टाइम में जो चंबा कलम थी वो डेवलप हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं कन्फ्यूजन रहती है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, हमसे पूछते रहते हैं कि तैयारी सर कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमने आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए हिमाचल का, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, HPAS हो, पुलिस हो, अलाइड सर्विस हो या फिर नायब तहसीलदार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्लर्क हो, आपको हमारे पास हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल मीन्स आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे मटेरियल से पढ़ेंगे, हमने हर चीज़ कवर कर रखी है उसमें। चाहे जो जो आपके सब्जेक्ट होंगे, चाहे हिमाचल जी की हो, इंडिया जी की हो, हिंदी इंग्लिश, हर चीज़ एकदम इजी और अंडरस्टैंडिंग वे में कवर कर रखी है। बाकी जो आपको इसके साथ क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ भी हम देंगे, टेस्ट सीरीज़ एडिट है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर सकें। साथ में प्रीवियस 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, यानी एग्ज़ाम को आप जज कर सके कि एग्ज़ाम कैसा आता है, उसका पैटर्न कैसा रहता है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है। तो प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर भी होंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया जाएगा। तो ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। मान लीजिए आप एक बुक ले रहे हैं तो एक बुक के प्राइस में आपको सारा स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा और उसमें हर एक चीज़ कवर होगी। बाकी अगर आपको और डिटेल्स लेनी है, जानना है कि क्या क्या मिलेगा, तो आपको सिंपली बस व्हाट्सएप करना है 7018186561 में। तो इस पे आपको व्हाट्सएप करना है 7018186561, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। बाकी हम आपको सारी डिटेल्स वहाँ दे देंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या आपको मिलेगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे ये PDFs हैं, ये भी इन्हीं स्टडी मटेरियल का पार्ट है। जैसे आप हिमाचल जी के पढ़ोगे तो हमने हिमाचल जी की सारी MCQ PDFs अरेंज कर रखी है। आपको डिस्क्रिप्टिव PDF से मिल जाएगी अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी है, फिर आप MCQ टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ मटेरियल रहेगा। बाकी चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पेंटर ऑफ चंबा कलम हु केम फ्रॉम गुलेर टू चंबा इन 1765 AD वॉज। तो चंबा कलम का फेमस पेंटर कौन था, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी निक्का। ये निक्का है, ये फेमस पेंटर था चंबा कलम का, जो गुलेर से चंबा आया था 1765 में, 1765 AD में। तो चंबा कलम का एक फेमस पेंटर है निक्का, जो गुलेर से चंबा आया था 1765 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन है, आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन विच प्रिंसली स्टेट। तो जो आर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग थी डेवलप्ड इन विच प्रिंसली स्टेट, यानी किस प्रिंसली स्टेट में डेवलप हुई थी, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है भागल। जैसे आपने चंबा स्टाइल पढ़ा तो वो चंबा जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर डेवलप हुई थी, वैसे जो आर्की है ये भागल में हुई थी। जो कांगड़ा स्टाइल था वो कांगड़ा में हुई होगी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी टाइप से होता है कि मतलब जहाँ से होता है वहीं का नाम दे देते। बाकी जो आर्की स्कूल है ये भागल में है, तो ये आर्की भागल सारे एक ही जगह थे। पहले आपको पता है हिमाचल प्रदेश था वो छोटी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, तो जो आर्की स्कूल था ये भागल में था और यहीं पर डेवलप हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th के, डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश विच स्किल ऑफ पेंटिंग इज मोस्ट एंशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है हिमाचल प्रदेश में डेवलप हुआ था और इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे एंशिएंट है, यानी पुराना है। तो मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था जो बशौली स्टाइल है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट स्टाइल है, स्कूल ऑफ पेंटिंग है बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो स्टाइल भी सबसे पुराना है, तो ये हिमाचल प्रदेश में डेवलप हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है बशौली स्टाइल, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना स्कूल ऑफ पेंटिंग है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्टीन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द मेन सेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट। तो पूछ रहा है जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट था, इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन सी जगह थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सुजानपुर टीरा। वैसे आपको पता होगा जो सुजानपुर टीरा था ये पहले कांगड़ा में था, बाद में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बन गई, तब ये उसमें चले गए। बाकी उस टाइम ये कांगड़ा में ही आता था जब संसार चंद का टाइम था, तो इस जो कांगड़ा था त्रिगढ़ था वो बहुत बड़ा था, तो उसी में ही सुजानपुर टीरा आता था और यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था यानी मेन सेंटर था जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड आर्ट था। तो आपका राइट आंसर है वो है सुजानपुर टीरा, और कांगड़ा जो पेंटिंग थी वो संसार चंद के टाइम पे जीनत तक पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेमस पेंटर्स फट्टू एंड पद्मा ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रॉयल कोर्ट। तो दो पेंटर्स के नाम बता रखे हैं, फट्टू और पद्मा, तो ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे, तो ये कौन से किसके रॉयल कोर्ट से बिलोंग करते थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा में जो रॉयल कोर्ट था, कांगड़ा जो स्कूल ऑफ पेंटिंग था उससे ही बिलोंग करते थे फट्टू और पद्मा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? HPS में मिलेंगे, मतलब ये हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे हिमाचल दर्पण ऐसी बुकों में आपको मिलेंगे नहीं, इसके लिए आपको व्लोखरा पढ़नी पड़ेगी। तो हमने हर चीज़ ही इसमें डाल दी है सीरीज़ में, ताकि आप मुश्किल से मुश्किल अगर पेपर भी दे रहे हो तो आपको सारी चीज़ें आपके यहाँ से कवर हो जाए। तो क्वेश्चन बोला था जो फेमस पेंटर थे फट्टू और पद्मा, ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल बनाते थे, तो ये कौन से रॉयल कोर्ट से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर है वो है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटर निहाल सिंह बिलोंग टू विच स्टेट? तो जो पेंटर निहाल सिंह थे ये हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते थे। तो कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमने हर चीज़ डाल दी है। तो पेंटर जो निहाल सिंह थे कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये करते हैं हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन है, द फेमस पेंटर नैनसुंग बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? तो जो नैनसुंग था ये कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग को बिलोंग करता था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है पहाड़ी। तो पहाड़ी जो स्कूल ऑफ पेंटिंग था उसका ये पेंटर था नैनसुख। और एक और मैंने आपको पीछे बताया था, एक मानक बताया था कि मानक था, उसे मानकू भी बोलते हैं, तो ये उसी का भाई है जो नैनसुख है, ये मानकू का ही भाई है, और ये पहाड़ी जो चित्रकला थी उसी में पेंटिंग करता था। ठीक है, मानकू का भाई है ये नैनसुख। जो मानकू था वो किसके रॉयल कोर्ट में था? वो था संसार चंद के। बाकी नैनसुख है ये पहाड़ी जो चित्रकला थी उसी का पेंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेंटिंग इज शैल सुताई? तो शैल सुताई जो है ये किसकी पेंटिंग थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है अमृता शेरगिल। तो शैल सुताई ये किसकी पेंटिंग है? ये है अमृता शेरगिल की। ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हिमाचल प्रदेश की। तो जो शैल सुताई ये किसकी पेंटिंग है? ये है अमृता शेरगिल की। 20th क्वेश्चन है, द स्केच ऑफ पनी हरिन इज पेंटेड इन विच स्टाइल? तो जो ये पनी हरिन का स्टाइल था, स्केच था, ये किस स्टाइल में पेंट हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है चंबा स्टाइल। चंबा स्टाइल में ये पेंट हुआ था, पनी हरिन का जो स्केच था ये चंबा स्टाइल में पेंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होंगी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी। मान लीजिए जो 20 वाला क्वेश्चन था, इसमें जो लिखा था द स्केच ऑफ पनी हरिन इज पेंटेड इन विच स्टाइल, तो ये चंबा स्टाइल इसका आंसर था, बट आपको टॉपिक ही नहीं पता लग रहा है कि है क्या ये, मतलब रटने वाली चीज़ें होगी। तो MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये चीज़ थोड़ी रहती है कि आपको थोड़ी चीज़ें रटनी पड़ती है। अगर आपने उसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं देख रखी, यानी चीज़ को टॉपिक को ही नहीं समझ रखा, तो आपको कुछ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको रटने पड़ेंगे। मगर ये सीरीज़ हम इसलिए बना रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव नहीं, हम बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन ही दे दो कि क्वेश्चन कौन से आते हैं एग्ज़ाम में, हम वही याद कर लेंगे। तो हमने उस वे में डाली है, मगर ऐसा नहीं है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तो आप जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो अपने आप ही आंसर कर दोगे, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव चीज़ उसकी देख रखी है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने आपका ये आर्ट इन हिमाचल कवर कर रखा है पूरा, उसमें आपको कांगड़ा पेंटिंग, चंबा पेंटिंग, बशौली स्कूल, ये सब कुछ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देख के MCQ अटैम्प्ट करोगे तो आप अपने आप ही आंसर बता दोगे, तब आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चलिए आगे देखते हैं, 21 क्वेश्चन क्या है, इन चंबा पेंटिंग्स विच कलर वेयर एक्सटेंसिवली यूज? तो क्वेश्चन में बोल रहा है इन चंबा पेंटिंग्स विच कलर वेयर एक्सटेंसिवली यूज, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो मुल्तानी मिट्टी थी, गेरू था, हिरमिर्ची थी,
ये हरी मिर्ची होगा, हरी मिर्ची नहीं, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसमें यूज होती थी चंबा पेंटिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फेमस पेंटर ऑफ इंडिया एंड हिमाचल हु डाइड एट वेरी यंग एज। तो हिमाचल प्रदेश का और इंडिया का एक फेमस पेंटर था जो बहुत ही अर्ली एज में जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, वो है अमृता शेरगिल। तो जो अमृता शेरगिल थी इनकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन है, इन अ फेमस पेंटिंग ऑफ कांगड़ा स्कूल लॉर्ड कृष्णा इज शोन लिफ्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन। तो ये तो आपको इजीली पता ही होगा क्या आंसर है इसका, गोवर्धन माउंटेन था, इसको उठाया था इन्होंने जो लॉर्ड कृष्णा थे। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी इनकी, जो पेंटिंग होती थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में, ये लॉर्ड कृष्णा के अराउंड ही घूमती थी, जो पेंटिंग होती थी लॉर्ड कृष्णा के ऊपर ही होती थी। तो इन्होंने जो गोवर्धन जो माउंटेन था उसे उठाया था, तो वो वाली पेंटिंग बता रहा है इसमें। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24th है, पाबूची पांडवनी भाताकश्री रिप्रेजेंट्स। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है इनका, पाबूची पांडवनी एंड भाताकश्री। तो रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स, यानी जैसे टांकरी होगी आपकी, टांकरी स्क्रिप्ट, शारदा स्क्रिप्ट, एक लिपि होती है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करता है ये पाबूची पांडवनी और भाताकृषि, टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्लेस। तो जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी ये बेसिकली जो गुलेर था यहाँ से ओरिजिनेट करी थी, राजा गोवर्धन चंद थे गुलेर के, उन्होंने जो ये गुलेर पेंटिंग थी इसका जो ओरिजिन हुआ था, मतलब उनके काल में हुआ था, बाद में जाके ये कांगड़ा पेंटिंग बन गई थी, और इसमें इन्फ्लुएंस भी आया था, जैसे मुगल स्टाइल था, मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस आ गया था, और उसके बाद ये कांगड़ा पेंटिंग बन गई थी, यानी कांगड़ा स्कूल बन गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है गुलेर, गुलेर से कांगड़ा जो उसका था, कांगड़ा पेंटिंग थी उसका ओरिजिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन द कालिदास अवार्ड इन 2011 फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो 2011 में कालिदास अवार्ड मिला था, किसको मिला था पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में एक्सेप्शनल वर्क करने के लिए, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है विजय शर्मा, विजय शर्मा थे, इन्हें कालिदास अवार्ड मिला था 2011 में। तो ये आपको याद रखना है, कालिदास अवार्ड मिला था 2011 में विजय शर्मा को एक्सेप्शनल वर्क करने के लिए पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कांगड़ाज ब्राइड एंड गद्दन आर द आर्ट वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कांगड़ा ब्राइड था, सोनी महिवाल था, गद्दन था, ये किसका आर्ट वर्क था, ये था सरदार शोभा सिंह का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार शोभा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम अपडेट्स मिल जाएंगे। कभी कभार स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम का ही नहीं पता लगता, एग्ज़ाम आ जाता है और निकल भी जाता है और वो फिल करना ही उनको याद नहीं रहता, तो हम सारी लेटेस्ट एग्ज़ाम अपडेट्स डालते रहते हैं। कोई आपकी स्कूल में वैकेंसीज आई है, कोई HPSSC के थ्रू आई है, HPPSC के थ्रू आई है, तो हम सारी चीज़ें आपकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सीधा डायरेक्टली आप HP एग्ज़ाम अफेयर्स लिख दीजिए, तब भी आपको मिल जाएगा। अगर लिंक चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको मॉक टेस्ट भी देते हैं हम फ्री में, स्टडी मटेरियल भी देते रहते हैं, तो एग्ज़ाम के अपडेट्स भी आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको हमसे कनेक्ट रहना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग थी इनकी मेन थीम क्या थी, वो थी लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। तो इनकी मेन थीम ये रहती थी, यानी जो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग होती थी उनमें थीम क्या रहती थी, लॉर्ड कृष्णा और राधा के ऊपर ही रहती थी। चलिए 29th क्वेश्चन देखते हैं। द एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन बाय द नेम खासा, इट्स बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज। तो हिमाचल प्रदेश का एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल था जिसका नाम था खासा, तो ये इसमें जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो क्या था, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है वुड। ठीक है, वुड का जो यूज़ होता था इसमें, जो खासा स्टाइल था, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल था हिमाचल प्रदेश का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द ग्रेट पेंटर निकोलस रोरिक ओरिजिनली बिलोंग टू विच कंट्री। तो जो निकोलस रोरिक थे
ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? ये करते थे रशिया को, और ये हिमाचल प्रदेश आए थे। हिमालय पे इन्होंने 7,000 पेंटिंग्स भी बनाई है हिमालय पे, और हिमालय की ब्यूटी से इतना ये प्रभावित हुए थे कि फिर हिमाचल प्रदेश में रुक गए थे। एक नगर जगह है कुल्लू में, वहाँ पर इनकी आर्ट गैलरी भी है। तो जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो आपको नगर में मिल जाएगी। नगर कहाँ है? कुल्लू में। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ है, तो आपका राइट आंसर है नगर कुल्लू में। तो जो निकोलस रोरिक थे वैसे तो रशिया के थे, मगर हिमालय की खूबसूरती इतना प्रभावित हुए थे कि फिर ये हिमाचल प्रदेश में रुक गए थे, और उन्होंने 7,000 पेंटिंग्स बनाई थी हिमालय पे। और निकोलस रोरिक जो है इनकी आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर है? वो है नगर नगर कुल्लू में। तो आज का लेक्चर हमारा इतना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।